हास्य हो गए, हीट हो गए, पीट हो गए। बच्चों हमने ड्यूरिंग द वेकेशन टाइम हमने लास्ट में योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर की डिस्कस की थी। आज हम क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर CWSN मतलब चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स जिसको हमारे प्रधानमंत्री दिव्यांग भी कहते हैं उनकी डिस्कस करेंगे। बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में पहले तो हम डिस्कस कर लेंगे। बच्चों इसमें हम पहले तो उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर उनकी डेफिनेशन क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है उनको पूरी तरह से समझेंगे। उसके बाद हम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी उनके टाइप तीनों टाइप की डिस्कस करेंगे और उसके बाद उनके कॉजेस डिसेबिलिटी होने के कौन कौन से कॉजेस है उनकी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वी आर स्टार्ट दिस टॉपिक। बच्चों सबसे पहले तो हम उनके इंट्रोडक्शन में ये समझते हैं कि भाई हमारे वी आर सोशल एनिमल बट सब बच्चे सेम नहीं होते। जिसी तरह हमारे हाथ की पांच उंगलियां भी सेम नहीं होती उसी तरह समाज के बीच बसे हुए आदमी भी सेम नहीं होते। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का सफर करते हैं तो इनमें आजकल के बच्चे भी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आज हम हमारी सोसाइटी के बीच कुछ ऐसे स्पेशल नीड्स चाइल्ड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है। डिसेबिलिटी इनको अलग करो तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई आप रूटीन वर्क करने के लिए एबल ना हो तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी। रूटीन वर्क तो कौन सा, तो के भाई चलना है, सुनना, देखना, ये सभी चीज आना जाना ये सभी चीज रूटीन वर्क में आता है। तो ये रूटीन वर्क आप करने के लिए एबल ना हो तो उसको कहते हैं डिसेबिलिटी। अब बात है डिसऑर्डर। बच्चों बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी सेम है। डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी सेम है बट ऐसा नहीं। डिसऑर्डर एक मेंटली डिसीज है। ये चीज है कि डिसऑर्डर को ठीक तरह से उनको केयर न की जाए तो वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि किसी आदमी को सुनने का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सुन तो पा रहा है लेकिन कम सुन पा रहा है, वो डिसऑर्डर है, उनको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। बट वो पूरी तरह यदि सुन ही नहीं पाता तो डिसेबिलिटी। तो यदि डिसऑर्डर के स्टेज में उसकी ठीक तरह से केयर नहीं की तो वो सुनने का जो उनका प्रॉब्लम है वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह किसी को देखने में प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहा है, अथवा तो कोई प्रॉपर बोल रहा है उनको समझ नहीं पा रहा है तो ये डिसऑर्डर है। लेकिन उनको सही समय पे केयर किया जाए तो ठीक हो सकता है, यदि न किया जाए तो डिसेबिलिटी मतलब वो परमानेंट भी हो सकता है। तो ये तो डिफरेंस हुआ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। तो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। बच्चों असल में तीन टाइप की डिसेबिलिटी होती है, कॉग्निटिव, दूसरी इंटेलेक्चुअल और तीसरी फिजिकल। तो बच्चों पहली टाइप की हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये मेंटली डिसेबिलिटी है जिसमें मेमोरी की कमी होना, मतलब बहुत बार कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता या उसको ही तो ये प्रॉब्लम होती है, वो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। विजुअली कोई प्रॉब्लम हो, फिर मैथमेटिकली इजीली कोई सॉल्यूशन हो वो उनसे नहीं हो सकता। तो इस टाइप की इफेक्ट कोई चाइल्ड में हो रही है तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल, आई होप ये वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा।
तो इसको इसी तरह से समझना तुम्हें थोड़ा होगा, आपको बताता हूं कि लेस देन 70 टू 75 आईक्यू जिसका हो ना वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो। लेस देन 70 से 75 के बीच जिसका उनके नीचे आईक्यू हो तो वो समझ लेना कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हुआ। दूसरी चीज बच्चों, इसमें ये होता है कि उसमें सोशल कम्युनिकेशन स्किल की कमी होता है, कोई चीज कोई बोलता है उनको ठीक तरह से समझ नहीं पाता और उनको रिएक्ट भी नहीं कर पाता, तो ये चीज इसमें होती है। फिजिकली तो दोस्तों फिजिकली खासतौर पे कोई एक्सीडेंट होने के कारण भी ये चीज हो सकती है, बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट इफेक्टेबल हो जाए उनके कारण वो पर्सन में डिसेबिलिटी आ सकती है, बोन का ऊपर प्रेशर आ जाने या ब्लॉक टूट जाना, प्रॉपर तरीके से बोन को डेवलप न हो पाओ और कोई वसल्स के ऊपर प्रेशर आता हो तो उनके कारण भी ये चीज हो सकती है। तो ये तीन डिसेबिलिटी, अब ये तीनों होने के कौन को कारण क्या, कोशिश क्या है तो उनके डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज है जिनेटिक कारण। यस बच्चों, आपके मदर मदर एंड फादर की ओर से आपको जो गिफ्ट में डीएनए मिले उनके कारण भी आपकी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो उसका सबसे बड़ा पहला कारण जिनेटिक है, उसके बाद पॉवर्टी। तो दोस्तों गरीब आए जिनके कारण को प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिला हो, प्रॉपर एनवायरनमेंट न मिला हो तो उसके कारण भी ये चीज हो सकती है। तीसरी चीज, तो तीसरी चीज हम न्यूट्रिशन, माय न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी बच्चों, तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी ये चीज हो सकती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन यदि बच्चों को सही समय पे न मिले तो उनके कारण भी ये चीज हो सकती है। तीसरी बात एक्सीडेंट, बच्चों एक्सीडेंट को कोई चाहे को बचपन में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो उनके कारण भी वो डिसेबल हो जाता है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन की कमी, प्रॉपर सही समय पे उनको नॉलेजेबल ना बनाया जाए तो उनके कारण भी वो डिसेबल हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम सबसे बड़ा कारण, तो के एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट की बात आई तो पोल्यूशन से रिलेशन समझते होंगे, बट खाली पोल्यूशन ही नहीं, सही समय पे बच्चों को ठीक अपॉर्चुनिटी न दी जाए तो वो भी डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कॉजिस हो सकता है। उनको स्टेज अपॉर्चुनिटी देना, प्रॉपर उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये सभी चीज डिसेबिलिटी को होने का कारण है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में खासतौर पे टाइप ऑफ डिसऑर्डर और उनके कॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम उनको ठीक करने के कौन कौन से तरीके उनकी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।